ईगल वर्सेस वल्चर वर्सेस हॉक। पंछियों की बिरादरी के तीन सबसे खतरनाक और जाबाज सदस्यों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, विशालकाय ईगल, मुर्दाखोर गिद्ध और तेज तरार बाज। आसमान में उड़ती मौत का दूसरा नाम ही है ईगल, बाज और गिद्ध। मगर सवाल उठता है कि तीनों में से कौन सबसे ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होता है, और कैसा होगा वो दिलो दिमाग को दहला देने वाला मंजर जब टूट पड़ेंगे तीनों एक दूसरे पे। किसकी होगी जीत और कौन मुंह छिपाने के लिए जमीन तलाशेगा, कौन साबित करेगा आसमान के साम्राज्य में अपनी बादशाहत, ये सब जानने के लिए बस आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले कि हम तीनों के बीच होने वाली लड़ाई में किसकी जीत होगी इस पर बात करें, हमें इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है। हम सबसे पहले बात करते हैं ईगल के बारे में। ईगल, आप इसके विशालकाय शरीर और बड़े बड़े पंखों को देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस पंछी के मुकाबले का शिकारी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अब जरा इनके पंजों पर गौर कीजिए। लंबे लंबे और नुकीले नाखूनों से सजे ये खतरनाक पंजे अपनी मजबूत पकड़ के लिए मशहूर है। इनकी पकड़ में तो अगर खुद इंसान भी आ जाए तो उनके लिए भी छूटना मुश्किल हो जाए, नॉर्मल जानवर की तो फिर क्या ही औकात। और फिर झपट्टा मारने की इनकी स्पीड का भी तो कोई मुकाबला नहीं। आपकी पलक बिना झपक पाएगी कि उतने देर में आपके सामने से किसी जीव को उठाकर उड़ते बनेंगे ये आसमानी तूफान। वैसे ही जैसे किसी एक्शन मूवी में हीरो जो तुरंत फुरत में आते हैं और तबाही मचाए हुए निकल लेते हैं, सामने वाला तो जैसे मुंह ताकता रह जाता है कि कैसे इन कुछ सेकंड्स में दुनिया ही बदल गई। इसकी साइज भी इसकी ताकत का एक अहम पहलू है। ये पक्षी करीब 2 फीट तक लंबा हो सकता है और वजन होता है करीब 3 से 4 किलोग्राम के आसपास। बड़े मगर हल्के होने की वजह से ही इनकी स्पीड बड़ी तूफानी होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये जो आपको चौंकाने पर मजबूर कर देगी कि ईगल अपने वजन से करीब 1.5 गुना ज्यादा यानी करीब 6 किलो के आसपास का वजन आसानी से उठाकर उड़ सकता है। अबे यार, ये चिड़िया है कि दानव? ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए ईगल को अगर एक बार भी आप अपनी आंखों से देख लेंगे तो फिर किसी फाइटर जेट से निकली हुई तेज बुलेट को नीचे की ओर आते हुए देखने की तमन्ना बाकी नहीं रह जाएगी। रही बात इनकी निगाहों की, तो ये इतनी पैनी होती है कि बादलों की ऊंचाई से भी घने जंगलों में चलता हुआ चूहा देख सकती है। अरे तेरी तो, इतनी बारीकी तो दुनिया के सबसे महंगे कैमरा में भी नहीं होगी। इसके अलावा इनकी आंखों का विजन करीब 340 डिग्री होता है, बस 20 डिग्री चूक गया वरना एक ही जगह बैठे बैठे बिना गर्दन घुमाए चारों तरफ देख सकता था। हम बेचारे इंसान तो खाली 180 डिग्री तक ही देख पाते हैं। अब अगर बात करें कि ये कितनी ऊंचाई तक उड़ लेता है तो बस यूं समझ लीजिए कि थोड़ी और ताकत लगाए तो स्वर्ग में भगवान से भी मिलकर आ सकता है ये। यानी करीब 12,000 फीट की ऊंचाई तक की उड़ान भरने का हौसला रखते हैं ईगल्स। आपने ये कोट तो सुना ही होगा कि बारिश के वक्त दुनिया के तमाम पंछी शेल्टर ढूंढने लगते हैं, मगर ईगल एकमात्र ऐसा पंछी है जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर ही उड़ना शुरू कर देता है। एटीट्यूड देख रहे हैं आप, और स्पीड के मामले में तो सबसे तेज होता है गोल्डन ईगल। इनकी स्पीड होती है करीब 320 किलोमीटर पर आवर। सुना आपने, 320। महंगी महंगी बाइक्स और कार्स की स्पीड भी इतनी नहीं होती यार। अब जरा इनके शिकार करने के तरीके पर गौर करते हैं। तरीका क्या है भैया? सिग्नेचर स्टाइल है। शिकार करते वक्त इस शिकारी पंछी का एटीट्यूड देखने लायक होता है। पंखों को पूरी तरह फैलाकर हवा में बिल्कुल लहराते हुए तेजी से नीचे आता है और अपने मजबूत पंजों से शिकारी को इतनी जल्दी और इतनी मजबूती से जकड़ता है कि बेचारा समझ ही नहीं पाता उसके साथ क्या हो गया। संभलना तो दूर की बात है। फिर अपने शिकार को किसी एकांत जगह पर, किसी पहाड़ी वगैरह या किसी खुले मैदान में ले जाता है और अपने भाले की तरह नुकीले नाखूनों से शिकार को नोच नोच कर चीर फाड़ डालता है। ये नॉर्मली छोटी चिड़िया, चूहे, मछली और सांप जैसे जानवरों को अपना शिकार बनाता है। अब समझते हैं इनके रहन सहन के बारे में। ईगल मोस्टली अपना घोंसला ऊंचे पेड़ों और चट्टानों पर बनाता है। अब जैसी पर्सनालिटी है उस हिसाब से बर्ताव में दादागिरी तो झलकेगी ही, इसलिए कभी कभी ये दूसरी चिड़ियों के घोंसलों पर भी कब्जा जमा लेता है। और जब बात आती है अपने बच्चों को उड़ना सिखाने की तो इनका टीचिंग स्टाइल भी बहुत यूनिक होता है।
यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ईगल्स अपने बच्चों को एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर नीचे फेंक देते हैं। बच्चा उड़ गया तो ठीक, वरना उसके ठीक नीचे गिरने से पहले कैच करके फिर ऊपर ले जाकर फेंक देता है। और ये कार्यक्रम तब तक चलता है जब तक इनके बच्चे उड़ना नहीं सीख जाते। अब आप ही बताइए कि जो बर्ड अपने बच्चों के साथ ऐसा खतरनाक स्टंट कर सकता है, वो अपने दुश्मनों का कैसा हाल करता होगा। वो तो निहायत ही बेवकूफ ही होगा जो ईगल से पंगा लेगा। वल्चर। वल्चर या कहिए गिद्ध एक बहुत ही घिनौना पक्षी है। आप जरा देखिए तो, इससे भद्दा और बदसूरत जानवर कहीं देखा है आपने? अजीब तरह से गंदे दिखने वाले इस पंछी के चेहरे से लगता है जैसे मौत का मंजर इसके आंखों में दिख रहा हो। वैसे इसके काम भी कुछ ऐसे ही है। ये मुर्दा शरीर को नोच नोच कर खाता है। सड़ा गला और बदबूदार खाना इन्हें बहुत पसंद होता है। कुछ गिद्ध तो इतने खतरनाक होते हैं कि मुर्दों की हड्डियां तक चबा डालते हैं और इनका हाजमा भी खराब नहीं होता। इनकी निगाहों की बात की जाए तो ये इतनी तेज होती है कि आसमान में 6 किलोमीटर की ऊंचाई से भी जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों को देख सकती है। और नाक का तो पूछे ही मत भाई साहब। सूंघने की शक्ति इतनी तेज होती है कि गिद्ध 1.5 किलोमीटर दूर की चीजें भी सूंघ कर पहचान लेते हैं। इनका वजन करीब 5 किलो से लेकर 10 किलो तक होता है और वही पंखों की साइज करीब 1.5 से 2.5 फीट होती है। आज दुनिया भर में जितने भी गिद्ध पाए जाते हैं उनमें से ज्यादातर नंगी खोपड़ी वाले होते हैं, यानी इनके सर पर बाल नहीं होते, और यही चीज इन्हें सबसे बदसूरत पक्षी बनाती है। आप खुद ही देखिए, पूरे शरीर पर बाल है मगर बस माथे पर ही नहीं है। हालांकि सारे ही गिद्ध बदसूरत होते हैं ऐसा नहीं है। किंग वल्चर नाम के इस गिद्ध को देखिए जरा, लग रहा है ना बिल्कुल राजा बेटा। अगर इनके जीवन काल की बात करें तो ये इनकी प्रजाति पर डिपेंड करता है, जहां ये 10 से लेकर 30 साल तक जीते हैं। गिद्धों की सभी प्रजातियों में सबसे ज्यादा लंबी जिंदगी किंग वल्चर की ही होती है। चोंच एकदम तीखी और मुड़ी हुई, जिसे ये शिकार पर हमला करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मगर यदि हम इन्हें ईगल से कंपेयर करें तो ये थोड़े से कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि इनकी चोंच, पंजे और नाखून ईगल के मुकाबले जरा कमजोर होते हैं। अब खाली सड़ा गला और मुर्दा शरीर का मांस ही खाना है तो इतनी मजबूती का गिद्ध करेंगे ही क्या। हाँ, मगर जब ऊंचा उड़ने की बात आती है तो गिद्ध ईगल्स को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। ये ईगल से करीब 3 गुना ज्यादा ऊंची, यानी 36,000 फीट जितनी ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। अरे, इतनी ऊंचाई पर तो ऑक्सीजन की भी सांस फूलने लगती है। गिद्ध भाई साहब, आप इतनी ऊंचाई पर जाकर करते क्या है। अगर स्पीड की बात की जाए तो ईगल के मुकाबले गिद्ध भाई साहब बहुत पीछे है। इनकी औसतन स्पीड होती है करीब 60 किलोमीटर पर आवर। हाँ, मगर ये पक्षी लंबे समय तक उड़ान भर सकते हैं और इसलिए भोजन की तलाश में लंबे लंबे सफर तय करने में भी नहीं कतराते। ये सब बातें जानकर इतना तो समझ आ रहा है कि ये पक्षी भले दिखने में खतरनाक लगे मगर ईगल के मुकाबले का शिकारी नहीं है। हॉक। हॉक यानी बाज। ये पंछी दुनिया के सारे पंछियों में सबसे ज्यादा स्टाइलिश होता है, मगर इसे सिर्फ चॉकलेटी हीरो समझने की भूल मत कर लेना। ये सबसे खूंखार शिकारी भी होते हैं, यानी जनाब एक्शन हीरो भी है। हाँ, साइज ईगल और गिद्ध के मुकाबले बहुत छोटा होता है, मगर बहादुरी और ताकत के मामले में बाज बिल्कुल भी पीछे नहीं है। और इनकी उड़ने की स्पीड के तो क्या ही कहने। इनके पंखों की डिजाइन ऐसी होती है जो इन्हें सीधा और बहुत देर तक उड़ने में मदद करती है। इनकी स्पीड होती है 350 किलोमीटर पर आवर। सरकार, आपने तो ईगल को भी पीछे छोड़ दिया। अब साइज में छोटे होते हैं तो ऑब्वियसली वजन भी कम ही होगा। ये नॉर्मली 3 किलो के आसपास होते हैं। अगर विंग स्पैन की बात करें तो इनके पंख 8 फीट तक लंबे फैल सकते हैं, यानी शरीर तो छोटा है पर पंख बहुत बड़े बड़े लेके घूम रहे हैं भाई साहब। और इसलिए अपनी पूंछ और पंखों के बल पर ये 8 से 10 घंटों तक लगातार उड़ते ही रहते हैं। यूं तो पूरी दुनिया में बाज की 2000 से भी कई ज्यादा प्रजातियां हैं जिनके रंग अलग अलग होते हैं, मगर आम तौर पर बाज ब्लू या ग्रे रंगों के ही दिखाई देते पड़ते हैं। और इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है इनके पेट पर ये काले सफेद धब्बों के निशान, जो इन्हें न सिर्फ एक बिल्कुल कातिलाना लुक देते हैं बल्कि इस हैंडसम हंक की भीड़ में भी सबसे अलग भी बनाते हैं। और अब बारी आती है इस बर्ड के सबसे बड़े खूबी की, जो इन्हें एक अचूक शिकारी और धरती पे तेज दौड़ने वाले जीवों की लिस्ट में खास बनाती है। जी हाँ, इनके पैर इतने मजबूत होते हैं कि ये नॉर्मल जानवरों की तरह धरती पर तेज दौड़ भी लगा सकते हैं। बाज ज्यादातर चूहे, खरगोश और कीड़े मकोड़ों को अपना खाना बनाते हैं। इनके घोंसले भी ज्यादातर ऊंची जगहों पर किसी पेड़ या चट्टान पर ही होते हैं, मगर कुछ बाज तो जमीन पर ही घोंसला बनाकर फैमिली प्लानिंग शुरू कर देते हैं।
अगर जीवन काल की चर्चा की जाए तो इनकी औसत आयु है करीब 18 साल। शिकार करने के मामले में ये किसी से भी पीछे नहीं होते, यानी ये कहा जा सकता है कि बाज और ईगल को शिकार करने वाले सब्जेक्ट्स में बराबर नंबर मिले हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हॉक को साइज छोटी होने के वजह से कुछ खास एडवांटेज मिले हैं, वही ईगल के पास साइज बड़ी होने के अपने अलग एडवांटेजेस है। तीनों के बारे में सारी बातें जानने के बाद, उनकी कमजोरियों और ताकतों को समझने के बाद, अब नतीजे पर पहुंचना आसान हो जाएगा। ईगल और बाज जैसे शिकारी पक्षियों के सामने गिद्ध तो मुंह ही खाएगा, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। अब बस सवाल उठता है, ईगल और बाज में से कौन जीतेगा? दोनों के पंजे, उनकी पकड़, स्पीड, ताकत, नाखून और उनका अटैकिंग एटीट्यूड किसी भी मामले में उन्हें एक दूसरे से कम नहीं आंकने देता। अब ये सवाल मैं आप पर ही छोड़ता हूँ कि क्या ईगल बाज को अपने झपट्टे में फंसा पाता है या बाज अपने पंजों से ईगल को चीर फाड़ सकता है। अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।